हेलो गाइज, वेलकम। कैसे हैं बच्चे? बात करें यार कि क्लास इलेवेंथ में हमने पिछले क्लास में जर्नल एंट्री को खत्म कर दिया था। जर्नल एंट्री समाप्त हो गया था। मैंने आपका एक एक कॉन्सेप्ट बताए थे। आपको मैंने बताया था कि डेबिट क्यों हो रहा है, क्रेडिट क्यों हो रहा है, गोल्डन रूल क्या है, डायमंड रूल क्या है। साथ साथ ना बच्चे, मैंने मैक्सिमम क्वेश्चन का प्रैक्टिस भी करवाया था। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो जाकर देखिए, जर्नल का कॉन्सेप्ट आप क्लियर करें। और आज की क्लास में बच्चे एक और इम्पॉर्टेंट चैप्टर शुरू करने जा रहा हूं। और अक्सर ना, अब जब जर्नल के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, जब भी आपको ट्रांजेक्शन करना होगा तो एक टर्म्स आपके चैप्टर में इंक्लूड कर दिए गए जिनका नाम है GST, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। बहुत ज्यादा खास है। कैसे आया, कब आया, किस कारण से आया, आज के क्लास में इसके बारे में बेसिक्स जानेंगे। ठीक है, चलते हैं आज के वीडियो की तरफ। ध्यान दीजिएगा बच्चे, आप नोटबुक लेकर के बैठे, राइट डाउन करते चले। अगर कोई भी स्टूडेंट्स को नोट्स का रिक्वायरमेंट है, लग रहा है कि सर हमें PDF नोट्स चाहिए, हैंड रिटेन नोट्स चाहिए GST का, काइंडली टेलीग्राम पे चले जाइए, माइंड योर ओन सक्सेस, वहां पे आपको मिल जाएगा PDF फॉर्म। ठीक है, चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ बच्चे। गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इसमें सबसे पहला एक टर्म जो है ना बच्चे, वह है टैक्स। क्या है टैक्स? तो हम लोग आज सबसे पहले बारे में जानेंगे कि टैक्स होता क्या है, टैक्स होता क्या है, और तब हम लोग एक्सप्लेन करते करते GST की तरफ चलेंगे। ठीक है, सबसे पहले टैक्स के बारे में जानते हैं कि सर टैक्स होता क्या है, व्हाट इज टैक्स। देखिए बच्चे, कोई भी कंट्री को डेवलपमेंट करने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए, सोसाइटी को डेवलप करने के लिए उन्हें रेवेन्यू का जरूरत पड़ता है। यार इनकम अगर होगा तभी ना हम कहीं काम करेंगे। अगर हमारे पास इनकम हो रहा है, हमारे पास फंड है, तब हम किसी चीज के डेवलपमेंट में पैसा लगा सकते। ठीक है, तो गवर्नमेंट का एक सोर्स ऑफ इनकम है, गवर्नमेंट का एक सोर्स ऑफ रेवेन्यू है, इनकम है, जो पब्लिक से, कंपनी से, ऑर्गेनाइजेशन से, अलग अलग ट्रस्ट से, अलग अलग सोर्सेस से कंट्रीब्यूट किए जाते हैं। किस बिहाफ में? आप हमारे कंट्री में रह रहे हो और बदले में उस इस कंट्री के डेवलपमेंट के लिए आपको अलग अलग कुछ ना कुछ टैक्स देना होगा। वो टैक्स स्लैब रेट बना हुआ कि आपको इतना टैक्स देना है, आप इस इनकम के कैटेगरी में हो तो आपको इस इतना टैक्स पे करना, यह स्लैब रेट बना हुआ है। तो कोई भी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट के द्वारा कलेक्ट किया गया एक रेवेन्यू है, ये लिवाइड किया जाता, लगाया जाता है, तो वह आपका टैक्स है। यह क्या कहलाएगा? आपका टैक्स। हम लोग बोल सकते हैं कि गवर्नमेंट का एक रेवेन्यू है, गवर्नमेंट का एक प्राइमरी रेवेन्यू है, सोर्स ऑफ इनकम है, ये हम लोग टैक्स बोलते हैं। क्लियर? देखिए बच्चे, समझिएगा, क्या है यहां पे? अ टैक्स इज अ मैंडेटरी फी और फाइनेंशियल चार्ज लिवाइड बाय एनी गवर्नमेंट on an individual or an organization to collect revenue for public work providing the best facility and infrastructure। government, किसी भी country की अगर government रहती है बच्ची, अगर बात करें हम भारत देश में रह रहे हैं, भारत देश की government भी हमसे एक revenue अपने लिए collect करती है हमसे, जिसका नाम है tax। तो यह टैक्स का पैसा किस लिए लेती है? हम लोग बोलेंगे सर आप हमसे टैक्स का पैसा क्यों ले रहे हो, हम अपने कंट्री में रह रहे हैं, अपने कंट्री में हम लोग अर्न कर रहे हैं, हम लोग हार्ड वर्क कर रहे हैं, लेकिन हम अपने इनकम का हिस्सा आपको क्यों दें, हम अपने इनकम का हिस्सा आपको क्यों दें? तो गवर्नमेंट बोलेगी देखिए सर, आप जो हमें यह टैक्स का पैसा दे रहे हैं ना, इसी टैक्स के पैसे से हम पब्लिक बेनिफिट सर्विसेज को बढ़ा रहे हैं, आपके सोसाइटी को बढ़ा रहे हैं, आपके सोसाइटी को वेल मेंटेन्ड कर रहे हैं। जैसे गवर्नमेंट स्कूल का फंड हो गया, सरकारी स्कूल भी चलना जरूरी है ना। ठीक है, कोई
अगर बात करते कोई ट्रस्ट हो गया, अगर बात कर रहे हैं गवर्नमेंट के इम्प्लॉय जो है उनको पैसा पेड करना, तो बहुत सारे ऐसे खर्चे हैं जो सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए, पुल का निर्माण हो रहा है, रोड कंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो यह सारे के डेवलपमेंट के लिए हमें पैसा चाहिए। बिना पैसा के हम काम नहीं कर सकते हैं, और आप इसी देश में रह करके अपने काम को कर रहे हो, तो आप भी यह चाहोगे ना कि आपका देश जो है, आपका कंट्री वेल मेंटेन रहे, ज्यादा डेवलप करे, क्योंकि वही डेवलपमेंट के थ्रू भी आपको भी रेवेन्यू जनरेट होगा, आपका भी फंड क्या होगा। अगर आपका कंट्री डेवलप होगा तो आपका व्यापार भी बढ़ेगा, आपके भी नंबर ऑफ इंप्लॉय बढ़ेंगे, आपके सर्विस सेक्टर बढ़ेंगे, आपके फैसिलिटीज बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पे उस डेवलपमेंट के लिए हमको आपसे कुछ टैक्स लेना, तो मनमानी टैक्स नहीं चलेगा, गवर्नमेंट प्री डिसाइडेड स्लैब रेट के अनुसार से टैक्स चार्ज करती। आप किस इनकम कैटेगरी में हो, आपको उस स्लैब रेट के अनुसार से टैक्स आपको देना है। ठीक है, तो समझ गए कि बच्चे टैक्स क्या होता है, और यह नेसेसरी टू पे होता है, जरूरी है देना। अगर कोई बंदा नहीं दे रहा है तो वहां पे भी उसके लिए कानूनी कार्रवाई किया जाएगा, वो गलत कर रहा है टैक्स, मतलब इनकम को चोरी कर रहा है, अपने इनकम को छिपा ले रहा है, नहीं बता रहा, तो एक प्रकार का क्राइम है। ठीक है, द कलेक्टेड फंड इज देन यूज टू फंड डिफरेंट पब्लिक एक्सपेंडिचर प्रोग्राम। क्या होता है, अलग अलग पब्लिक एक्सपेंडिचर प्रोग्राम, रोड कंस्ट्रक्शंस, न गवर्नमेंट स्कूल्स, चैरिटेबल ट्रस्ट, सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए, तो यहाँ पे आपके इस पैसे का, इस रेवेन्यू का यूज किया जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यहां तक क्लियर है सबको। आगे बच्चे, अब जानते हैं बच्चे कि टाइप्स ऑफ टैक्स, सर टैक्स क्या होता है। देखिए टैक्स को ना बेसिकली दो टाइप से कैटेगराइज किया गया था, टैक्स को दो टाइप से कैटेगराइज किया गया था बच्चे, हिस्ट्री से बता रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम समझते चलना है। ठीक है, एकदम प्रॉपर राइट डाउन करना है, कि किसी को अगर आप एक्सप्लेन कर दो ना तो वह बोले कि नहीं यार कुछ तो समझाया, समझ में आ गया, अच्छे से बताया यार। ठीक है, ये चीज। और अगर हमारे चैनल पे आप फर्स्ट टाइम आए हो तो काइंडली रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके ही आगे बढ़े, फ्रेंड को शेयर करें, आपका एक सपोर्ट बहुत ज्यादा मायने रखता है बच्चे। ठीक है, देखिएगा, बात करें कि यहां पे टैक्स जो है, देखिए दीज टैक्स आर फर्दर सब कैटेगराइज इनटू डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस डिपेंडिंग ऑन द मैनर इन विच दे आर पेड टू द टैक्सेशन अथॉरिटीज। मतलब टैक्सेशन जो अथॉरिटीज है, उसके हिसाब से टैक्स को दो पार्ट में कैटेगराइज किया गया, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स। सबसे पहले डायरेक्ट टैक्स के बारे में जानते हैं बच्चे। देखिए अगर एक लाइन में हम आपको इसका एक्सप्लेनेशन दें तो हम यह बोल सकते हैं, सिंपली आप यह जानिएगा कि डायरेक्ट टैक्स वह टैक्स होता है जो किसी भी पर्सन के इनकम पे, वेल्थ पे, प्रॉपर्टी पे, एसेट्स पे अगर लग रहा है, वह टैक्स जो गवर्नमेंट के द्वारा किसी भी व्यक्ति के इनकम पे, वेल्थ पे, प्रॉपर्टी पे, एसेट्स पे लगाया जाता हो, वह टैक्स को हम लोग डायरेक्ट टैक्स बोलेंगे। उस टैक्स को हम लोग कौन सा टैक्स बोलेंगे, डायरेक्ट टैक्स हम लोग उसे बोलेंगे। ठीक है, यहां देखिए बच्चे, अ डायरेक्ट टैक्स इज अ टैक्स दैट अ पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन पेज डायरेक्टली टू द एंटिटी दैट इम्पोज्ड इट। एग्जाम्पल इंक्लूडेड इनकम टैक्स, रियल प्रॉपर्टी टैक्स, पर्सनल प्रॉपर्टी टैक्स एंड टैक्सेस ऑन एसेट्स, ऑल ऑफ विच आर पेड बाय एन इंडिविजुअल टैक्स पेयर डायरेक्टली टू द गवर्नमेंट। क्या होता है, डायरेक्टली गवर्नमेंट को यह टैक्स पे किया जाता है। साथ साथ बच्चे, इससे बंदा बच नहीं सकता, खुद को बचा नहीं सकता है। सपोज डेट समझिएगा, मिस्टर ए का एक प्रॉपर्टी था, मिस्टर ए का एक प्रॉपर्टी यहां पे था, गवर्नमेंट बोली कि मिस्टर ए आपका यहां पे यह प्रॉपर्टी है, आपको इस पे
इतना अमाउंट टैक्स पेड करना होगा। मिस्टर ए यहां डिनाई नहीं कर सकता है टैक्स पे करने के लिए, उसे हर हाल में टैक्स पेड करना पड़ेगा। तो डायरेक्ट टैक्स इनकम, वेल्थ और प्रॉपर्टी पे लगाया था। क्या मिस्टर ए ऐसा बोल देगा, ना सर हमार प्रॉपर्टी नहीं है, ऐसा करेगा? नहीं करेगा। अगर ऐसा यह कह देता है तो गवर्नमेंट तुरंत उस प्रॉपर्टी पे अक्वायर कर लेगा। झूठ बोल रहा है या फिर ये मतलब दिखा रहा है कि इसका टैक्स नहीं, प्रॉपर्टी नहीं, चले काम करो इसी प्रॉपर्टी को अक्वायर कर लो। जब इसका प्रॉपर्टी नहीं तो यहाँ पे वह बंदा टैक्स को पेड करना ही उसे पड़ेगा। अगर कोई बंदा टैक्स को नहीं पे कर रहा है डायरेक्ट टैक्स को, तो वह क्राइम कर रहा। इसके लिए लॉ में इंडियन आचार संहिता, आपका संहिता हो गया ना बच्चे, तो उसके हिसाब से अब पनिशेबल किया जाएगा। आपको जुर्माना देना पड़ेगा, आपको सजा भी हो सकती है। ठीक है, क्लियर? आगे इनडायरेक्ट टैक्स। देखिए बच्चे, पहले इनडायरेक्ट टैक्स ही था, समझिएगा। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है ना, कि हम लोग पे गवर्नमेंट डायरेक्टली नहीं इसे लगाती थी, गवर्नमेंट डायरेक्टली आके हमसे, जैसे डायरेक्ट टैक्स में क्या बोला था कि गवर्नमेंट आया आपके पास में, बोला कि मिस्टर ए आपका प्रॉपर्टी, आपको टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स में ऐसा नहीं था बच्चे, इनडायरेक्ट टैक्स में ऐसा नहीं था। गवर्नमेंट प्रोडक्ट पे, गुड्स पे, सर्विसेज पे टैक्स लगाती थी। गवर्नमेंट प्रोडक्ट पे, गुड्स पे, सर्विसेज पे टैक्स लगा देती थी। अब जो बंदा उस गुड्स को, उस प्रोडक्ट को यूटिलाइज कर रहा है, परचेज करने जाएगा, तो जो बंदा जाएगा उसे टैक्स पेड करना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं कि सब कोई पेड कर रहा है, मतलब अगर सपोज डेट बच्चे की पार्ले जी का बिस्किट हम खरीदने गए, तो उस गुड्स पे लगा गया टैक्स हमको बेयर करना पड़ेगा। अगर मिस्टर राम जा रहा है तो राम को देना पड़ेगा वह टैक्स, देख रहे हैं? तो दैट इज इनडायरेक्ट टैक्स, दैट इज इनडायरेक्ट टैक्स। और गवर्नमेंट इस टैक्स को हम पे डायरेक्ट इंपोज नहीं करते, वह प्रोडक्ट पे, गुड्स पे, सर्विसेज पे लगा दिए। अब जो पर्सन उसका यूटिलाइज करेगा, जो उसे कंज्यूम कर रहा है, उसे उसे पेड करना पड़ जाएगा। ठीक है, यहां देखिएगा, समझिए। इनडायरेक्ट टैक्स इज द टैक्स लिवाइड ऑन द कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इट इज नॉट डायरेक्टली लिवाइड ऑन द इनकम ऑफ अ पर्सन। अभी जस्ट हमने यही समझाया था, यह जो टैक्स है बच्चे, किसी भी पर्सन के इनकम पे डायरेक्टली इंपोज, लिवाइड नहीं किया जाता है। इंस्टेड ही और शी हैज टू पे द टैक्स अलोन विथ द प्राइस ऑफ गुड्स और सर्विसेज बाउट बाय द सेलर। क्लियर? अगर आप कोई गुड्स या सर्विसेज सेलर के द्वारा खरीद रहे हो, तो उस गुड्स या सर्विसेज पे क्या टैक्स लगा हुआ, वह आपको पेड करना पड़ेगा। अगर आप ले रहे हो सर्विसेज, तो हमने सर्विसेज नहीं लिया तो हमें नहीं पेड करना पड़ेगा। सपोज दैट बच्चे एक स्पा में गए, स्पा का सर्विस टैक्स था 5%, मीन कर रहा हूं, ठीक है? तो स्पा का सर्विस टैक्स था 5%, हमने क्या किया, बैठ गए और वहां पे हमने स्पा करवाया, और तो हमको उस मतलब हम कंज्यूमर हैं, हमने उस सर्विसेज का बेनिफिट उठाया, तो बदले में जो टैक्स है वो हमें पेड करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम इटालियन कट कटवाने के, रोड पे ईटा पे बैठा के बाल काटते हैं ना, इटालियन कट, कभी कभी आप लोग देखे होंगे कि सड़क के कॉर्नर पे ईटा पे बैठा देंगे और बाल कटिंग करते, गांव में ऐसा दिखा जाता है इटालियन कट, तो वहां पे यार कोई सर्विस टैक्स नहीं लग रहा है, सर्विसेज आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं दे रहे, ना ही एसी आपको मिल रहा है, कुछ एक्स्ट्रा सर्विस, तो हाँ सर्विस टैक्स आपको नहीं देना, तो आप कटिंग करवाए, अब उसने ऐसा कोई सर्विस नहीं था, तो आपको सर्विस टैक्स वहां नहीं लग रहा। तो आपका, जब आप उस सर्विसेज का बेनिफिट उठाओगे, तब आपको सर्विस टैक्स पे करना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर? द पर्सन पेइंग द टैक्स टू द गवर्नमेंट एंड द पर्सन वेयरिंग द लाइबिलिटी टू पे द टैक्स आर दस टू डिफरेंट पीपुल। क्लियर? यहां देखिए बच्चों, अब हम लोग क्या डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में थोड़ा डिफरेंस जान लेते हैं कि क्या अंतर है। देखिए समझिएगा,
डायरेक्ट टैक्स जो होता है वो अभी बताया कि हमने कि आपका इनकम टैक्स पे पेड करना पड़ेगा। कोई बंदा अगर प्रोडक्ट को सॉरी कोई बंदा अगर इनकम जनरेट कर रहा है, कहीं से पैसा कमा रहा है, तो उस पर टैक्स देना पड़ेगा। अगर किसी के पास संपत्ति है तो उसको पैसा पेड करना पड़ेगा। अगर कोई सिक्योरिटी गवर्नमेंट का शेयर सिक्योरिटी शेयर रखा हुआ है तो उस पर टैक्स पेड करना पड़ेगा। अगर कोई परक्यूजिट है सर्विसेस ले रहा है, मतलब बात करते गाड़ी है कार है, तो उस पर टैक्स पेड करना पड़ेगा। उसे संपत्ति में आता है वो सब बचे। कॉरपोरेट टैक्स, कॉरपोरेट टैक्स बिजनेस का, जैसे इनकम का इनकम टैक्स होता है ना, तो बिजनेस का कॉरपोरेट टैक्स होता है, तो उस पर टैक्स पेड करना पड़ेगा। इनडायरेक्ट टैक्सेस में क्या आ गया, सेल्स टैक्स, सेल्स कर रहे हो तो टैक्स देना पड़ेगा, सर्विस ले रहे हो तो टैक्स देना पड़ेगा, कस्टम ड्यूटी एक्साइज ड्यूटी अगर कर रहे हो मतलब एक्सपोर्ट इम्पोर्ट तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। अगर आपने कोई अलग सर्विसेस लिया है, जैसे अगर आपने कोई अलग सर्विसेज ले लिया है तो आपको वैल्यू एडेड टैक्स पेड करना पड़ता था, ठीक है। समझिएगा, किसी रेस्टो में आप गए, रेस्टोरेंट में आप गए हो, वहां पे सेल्फ सर्विस का बेनिफिट था, लेकिन आपने क्या करा, वेटर को बोला कि मैं आपसे सेपरेट एक अलग सर्विसेज चाहता हूं, यहां पे सेल्फ सर्विस है लेकिन आप मुझे खाना सर्व करोगे ला करके दोगे, तो आपने एडेड सर्विसेस उसे लिया, तो वहां पे आपको वैल्यू एडेड टैक्स पेड करना पड़ता। ये आपका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स का डिफरेंस था पहले, क्लियर। अब आगे बच्चे समझिएगा क्या हुआ, इनडायरेक्ट टैक्स को ही, इनडायरेक्ट टैक्स को ही कन्वर्ट कर दिया गया गुड्स एंड सर्विस टैक्स में। इनडायरेक्ट टैक्स को ही कन्वर्ट कर दिया गया गुड्स एंड सर्विस टैक्स में ही बदल दिया गया। हमने पहले समझिएगा थोड़ा, क्या होता था ना बच्चे कि गवर्नमेंट डिसाइड नहीं कर पाती थी अलग अलग टैक्स, एक ही गुड्स पे अलग अलग टैक्स लगता था। गवर्नमेंट क्या करती थी, जैसे पहले यार अगर आप किसी गुड्स को ले रहे हो तो गुड्स पे सर्विस टैक्स लगा, एक टैक्स लग गया, वैल्यू एडेड टैक्स लग गया, तो कुछ कुछ और डिफरेंट टैक्स, इस कारण से क्या होता था ना कि प्रोडक्ट के प्राइस बढ़ जाते थे। तो एक टैक्स हमारे गवर्नमेंट में आया वन नेशन वन टैक्स के रूल से, जीएसटी, इनडायरेक्ट टैक्स को कन्वर्ट कर दिया गया गुड्स एंड सर्विस टैक्स में। इनडायरेक्ट टैक्स को ही शिफ्ट कर दिया गया गुड्स एंड सर्विस टैक्स, क्लियर, पक्का समझ में आ रहा, रिप्लेस कर दिया गया इनडायरेक्ट टैक्स को गुड्स एंड सर्विस टैक्स में, क्लियर, जिसे हम लोग जीएसटी बोलते हैं। जीएसटी एंड इनडायरेक्ट टैक्स विच हैज रिप्लेस्ड मेनी इनडायरेक्ट टैक्सेस इन इंडिया। क्या बोले बच्चे, भारत में बहुत सारे टैक्स थे, सर्विस टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स, अलग अलग फर्दर फर्दर बहुत सारे टैक्स होते थे, तो उन टैक्स को हटा दिया गया, उन सारे टैक्स को हटा दिया गया और उनके जगह पे एक टैक्स आया जिसका नाम था जीएसटी, जिनका नाम क्या था, जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। द गुड्स एंड सर्विस टैक्स वाज पास्ड इन द पार्लियामेंट ऑन 29 मार्च 2017 को पास किया गया था पार्लियामेंट में और अप्लाई कब हुआ, द एक्ट केम इनटू इफेक्ट ऑन 1 जुलाई 2017। गुड्स एंड सर्विस टैक्स लॉ इन इंडिया इज अ कॉम्प्रिहेंसिव मल्टी स्टेज डिजिग्नेशन बेस्ड टैक्स दैट इज लिवाइड ऑन एवरी वैल्यू एडिशन। समझिए क्या होता है वैल्यू एडिशन, पहले क्या होता था बच्चे कि एक ही गुड्स पे चार बार पांच बार पूरा फुल अमाउंट कंप्लीट अमाउंट पे टैक्स लगता था, तो इस कारण से प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ जाता था और बायर को सारा टैक्स पेड करना पड़ता था, तो ये दिक्कत का था। गवर्नमेंट यहां पे जीएसटी के थ्रू वैल्यू एडिशन पे टैक्स लगाने लगी, मतलब अब आपको समझाता हूं आगे है इसका एग्जाम्पल दिया, वैल्यू एडिशन पे टैक्स लगाने लगी। कैसे वैल्यू एडिशन आपको बताऊंगा, पहले समझिए, इन सिंपल वर्ड गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी इज एन इनडायरेक्ट टैक्स लिवाइड ऑन द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। दिस लॉ हैज रिप्लेस्ड मेनी इनडायरेक्ट टैक्सेस लॉ दैट प्रीवियसली एग्जिस्टेड इन इंडिया। बहुत सारा इनडायरेक्ट टैक्स भारत में लगाए जाते थे, उनको रिप्लेस्ड करके एक टैक्स लगा जिनका नाम था जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। पहले समझिए, देखिए इनडायरेक्ट टैक्स था तो पहले क्या होता था कि बिफोर जीएसटी एक सेंट्रल और स्टेट का, देखिए
एक्साइज टैक्स, सर्विस टैक्स, कस्टम ड्यूटी, वैल्यू एडेड टैक्स, सेंट्रल स्टेट टैक्स, कितना सारा टैक्स देख रहे हैं, ऑक्ट्री टैक्स, लग्जरियस टैक्स, स्वच्छ भारत, चेस, अदर्स, इतने सारे टैक्स देना पड़ता था। समझिएगा, मान के चलते बच्चे, एग्जाम्पल दे रहा हूं, बस कुछ ऐसा मीन नहीं, लेकिन हाँ एग्जाम्पल दे रहा हूं। किसी प्रोडक्ट का प्राइस, सपोज दैट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 100 आया, एक्साइज ड्यूटी लग गया 2 रुपया, सर्विस टैक्स लग गया 2 रुपया, कस्टम ड्यूटी लग गया 6 रुपया, अगर वैल्यू एडेड टैक्स मान के चले 3 रुपया लगा, सेंट्रल स्टेट टैक्स 2 रुपया लगा, ऑक्ट्री टैक्स लग गया 5 रुपया, लग्जरियस टैक्स लग गया 10 रुपया, फिर यहाँ पे स्वच्छ भारत टैक्स लगा 5 रुपया, अदर टैक्स अगर 2 रुपया लगा। अब आप देखिए कि इस गुड्स का दाम 100 रुपया ही था, क्लियर, लेकिन टैक्स के लिए क्या किया, इसके प्राइस को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया, बढ़ा देता था। तो गवर्नमेंट बोली कि एक काम करो यार, इतना सारा जो फर्दर टैक्स अलग अलग लगाने का क्या जरूरत है, बस एक टैक्स लगाओ। आप गुड्स खरीद रहे हो, सर्विस खरीद रहे हो, अलग अलग सेलेब्रिट के हिसाब से परसेंटेज, बस वही जीएसटी ही दिखना चाहिए, उसके अलावा कोई टैक्स नहीं दिखना चाहिए। आप रेस्टोरेंट में कभी जाते हो, अगर वैल्यू एडेड टैक्स अगर आपसे ले रहे हैं, तो आप क्लेम कर सकते हो, क्लेम फाइल कर सकते हो, कस्टमर केयर पे कंप्लेन कर सकते हो कि हमसे वैल्यू एडेड टैक्स लिया जा रहा है, गवर्नमेंट हटा चुकी है। तो यह सारे टैक्सेस को गवर्नमेंट इसलिए हटाई ताकि जो बार बार रिपीटेड प्राइस लग रहा था, ठीक है, बार बार रिपीटेड टैक्स लग रहा था, उस टैक्स को खत्म किया गया, प्राइस जो इंक्रीज हो रहा था गुड्स का उसे थोड़ा सा मैनेज किया गया। तो ये आपका बिफोर जीएसटी। देखिए बच्चों, अंडर द जीएसटी रिजाइन द टैक्स विल बी लिवाइड एट द एवरी पॉइंट ऑफ सेल इन केस ऑफ इंट्रा स्टेट सेल्स, सेंट्रल जीएसटी एंड स्टेट जीएसटी विल बी चार्ज्ड, इंटर स्टेट सेल्स विल बी चार्जेबल टू इंटरग्रेटेड जीएसटी, पहला जीएसटी इंटरग्रेटेड जीएसटी। नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द डिफिनेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। जीएसटी इज अ कॉम्प्रिहेंसिव मल्टी स्टेज डिजिग्नेशन बेस्ड टैक्स दैट विल बी लिवाइड ऑन एवरी वैल्यू एडिशन। यहां भी हम लोग वहां पे बताए थे कि यह जो लगाया था एवरी वैल्यू एडिशन पे लगाया जाता है, मतलब यहां पे वैल्यू एडिशन का मतलब समझिएगा बच्चों, यहां बता रहा हूं। देखिए, कोई गुड्स अगर मैन्युफैक्चर किया जा रहा है, कोई गुड्स अगर मैन्युफैक्चर किया जा रहा है तो क्या कर रहा है, सबसे पहले कोई बंदा परचेज ऑफ रॉ मटेरियल किया, रॉ मटेरियल आया, अब रॉ मटेरियल का प्राइस था 100, ठीक है, तो 100 रुपीज पे जीएसटी लगेगा। जीएसटी किस पे लगेगा, 100 रुपीज पे लगेगा, एग्जाम्पल दे रहा हूं, समझा रहा हूं। फिर प्रोडक्शन पे गया तो प्रोडक्शन मैनेजर क्या किया कि इसके वैल्यू में 50 का इंक्रीमेंट कर दिया, तो अब वैल्यू कितना हो जाता था, 150 हो गया। तो अब देखिए कि यहां पे गवर्नमेंट जीएसटी के थ्रू ओनली वैल्यू एडिशन पे टैक्स को डिवाइड कर रही है। अब 150 पे टैक्स नहीं लगेगा, पहले उस हिसाब से इस अमाउंट पे टैक्स से पेड करना पड़ता था, जिस कारण से प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ जाता था, लेकिन जब जीएसटी आया तो यह वैल्यू एडिशन पे टैक्स चार्ज करने लगी। वैल्यू एडिशन मतलब रॉ मटेरियल 100 पे तो ऑलरेडी टैक्स लगा हुआ था, वैल्यू एडिशन आपने कितना का करा, 50 का, तो आप 50 पे आप जीएसटी पेड करो। फिर वेयर हाउसिंग वाले पे गया, फिनिश गुड्स पे गया, सपोज डेट यहाँ पे 50 का इंक्रीमेंट हो गया, अब कितना हो गया, 200, तो इन्होंने 150, यहाँ पे तो 50 पे ऑलरेडी टैक्स लगा हुआ है, तो अब कितना पे जीएसटी लगेगा, फिर 50 पे। तो जो वैल्यू एडिशन हो रहा है एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस में होने के बाद, जो वैल्यू एडिशन हो रहा है उस पे टैक्स लगाया जा रहा है, उसी पे टैक्स लगाया जा रहा है, ठीक है, उसी पे जीएसटी लगाया जा रहा है। इससे प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो ज्यादा इंक्रीज नहीं कर रहा है, हमें बार बार एक ही प्रोडक्ट के लिए एक ही मतलब स्टेज का बार बार टैक्स नहीं पेड करना पड़ रहा है, क्लियर। देखिए अभी जस्ट बताए बच्चे, डिजिग्नेशन बेस्ड टैक्स है, एक जगह से दूसरे जगह जा रहा है उसमें क्या इंक्रीमेंट है, उसके बेसिस पे टैक्स यहां पे लगता है, ठीक है।
देखिए कंपोनेंट ऑफ जीएसटी हम लोग समझते हैं, जीएसटी होता है बच्चे, जीएसटी कैसे लगता है, सेल विद इन द स्टेट, सेम स्टेट। जैसे मान के चले कि अगर हम लोग बिहार में है तो कोई गुड्स बिहार में ही बेचा जा रहा है, एक मैन्युफैक्चरर भी बिहार का है, परचेजर भी बिहार का है, तो यहाँ पे विद इन द स्टेट, इंटर स्टेट, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सामान बेचा, बिहार से झारखंड बेचा जा रहा है, बिहार से बंगाल बेचा जा रहा है, ठीक है, तो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में गुड्स को सोल्ड परचेज किया जा रहा है। तो यहाँ पे जब सेम स्टेट होता है ना बच्चे, तो यहाँ पे सी जी एस टी होता है, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जब एक ही स्टेट में सामान को बेचा जाता है, सर्विसेज को एक ही स्टेट में होता है, तो यहाँ पे दो टैक्स लगता है, सी जी एस टी, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, और स्टेट के डेवलपमेंट के लिए स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, क्लियर। लेकिन वही जब आपका इंटर स्टेट होता है, जैसे हम लोग बिहार में झारखंड में बेच रहे हैं, तो वहां पे सी जी एस टी नहीं लगेगा, वहां पे लगेगा आई जी एस टी, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है, क्लियर। देखिए बच्चे, यहां पे मैंने एक्सप्लेन किया, तीन टैक्सेस हम लोग को यहां देखने को मिलता है, अभी जस्ट हमने बताया था सी जी एस टी, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स कलेक्टेड बाई द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन एंड इंट्रा हैपनिंग विद इन महाराष्ट्र, एस जी एस टी स्टेट के डेवलपमेंट के लिए, सी जी एस टी जैसे एक स्टेट में, जैसे हम लोग बच्चे अगर बिहार में सामान को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं और बिहार में, मतलब सेलर और परचेजर दोनों बिहार का है, तो यहाँ पे कौन सा जी एस टी लगेगी, सी जी एस टी, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से लगाया जाएगा, और स्टेट के गवर्नमेंट की तरफ से एस जी एस टी लगाया जाएगा, ठीक है, यह दोनों टैक्स लगेगा यहाँ पे जब एक स्टेट में हम लोग बेच रहे, तो स्टेट कलेक्टेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट ऑन एन इंटर हैपनिंग विद इन महाराष्ट्र, मतलब एक एग्जाम्पल दिया है बच्चे। आई जी एस टी के बारे में बात करें तो क्या होता है कि जब हम लोग एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सामान को बेच रहे हैं, ठीक है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सामान को बेच रहे हैं, तो वहां पे सी जी एस टी नहीं लगेगी, एस जी एस टी नहीं लगेगी, बल्कि आई जी एस टी लगेगी, आई जी एस टी डिवाइड किया जाएगा गुड्स एंड प्रोडक्ट पे, क्लियर ये चीज। कहां कहां गुड्स जी एस टी नहीं लगता है बच्चे, ये थोड़ा सा मैंने बता दिया, आप राइट डाउन कर लीजिएगा। अभी पेट्रोल पे डीजल पे गुड्स एंड सर्विस टैक्स नहीं लग रहा, इसी कारण से क्या होता है कि अलग अलग स्टेट में प्राइस पेट्रोल डीजल का अलग अलग देखने को मिल रहा है, कुछ कुछ आपके बेसिक्स गुड्स है, डेली यूजफुल गुड्स है, तो उस सब पे जीएसटी नहीं लगता है, इलेक्ट्रिसिटी वाटर पे ये सब पे जीएसटी आपका नहीं लग रहा है, तो ये सारे आपके हैं, राइट डाउन कर लीजिए, आप स्क्रीनशॉट भी इसका ले लीजिए, याद रखना पड़ेगा, ठीक है, देख रहे हैं जीएसटी रेट स्ट्रक्चर ऐसा है, 0% है, मतलब जो आपके नेसेसरी एसेंशियल कॉमोडिटीज है उस पर गुड्स एंड सर्विस टैक्स नहीं लग रहा, अगर कुछ अगर आपके बेसिक्स ऐसे यूजफुल कंजम्पशन गुड्स है जिसपे 5%, कहीं पे 12% देखने को मिल रहा है, कहीं 18% दिख रहा है, अगर आप लग्जरियस गुड्स को यूज कर रहे हैं तो वहां पे 28% का जीएसटी है, तो ये आपका रेट ऑफ जीएसटी है, ठीक है। आज के क्लास में बच्चे हम लोग यहीं तक, नेक्स्ट क्लास में जो आपको बताएंगे वो आपका प्रैक्टिकल प्रॉब्लम भी बताएंगे, कैलकुलेट कैसे करना है, इनपुट आउटपुट क्या होता है, बहुत सारे टर्म्स इसमें हैं, ठीक है, तो आज तक यहीं तक, ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, बाय, सी यू। यार बच्चे अगर वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, आपका सपोर्ट जरूरी है, धन्यवाद, बाय।